तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है पिया प्ले। और आज एक दुखद खबर आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। और यहाँ पे कल एक एक्सीडेंट हुआ। वैसे तो हमारे देश भर में एक दिन में कम से कम 2000 से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, पर इस एक्सीडेंट को मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि इस एक्सीडेंट में जो दुर्घटना हुई उसमें मारे गए जो दो व्यक्ति हैं उनमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम है साइरस मिस्त्री। और साइरस मिस्त्री अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये टाटा सन्स के एक्स चेयरमैन थे और ये एक मर्सिडीज गाड़ी में सवार थे जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ। और वो जो गाड़ी थी कोई आम गाड़ी नहीं थी, वहाँ पे वो 5-स्टार रेटेड गाड़ी थी। और मर्सिडीज की ज़्यादातर गाड़ियाँ 5-स्टार रेटेड होती हैं, यानी कि काफ़ी सेफ मानी जाती हैं। तो ऐसी गाड़ी में होने के बावजूद उनकी डेथ हो जाना, उनका गुजर जाना, ये काफ़ी चौंकाने वाली बात थी। पर यहाँ पे जांच पड़ताल के बाद जो भी सामने बातें आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो इसमें मुख्य वजह थी इस एक्सीडेंट की कि सड़क जो है वो काफ़ी पतली थी। ऐसा नहीं कि पूरी सड़क पतली थी, ये जहाँ से ड्राइव करके आ रहे थे उस और की सड़क जो है वो काफ़ी चौड़ी थी, पर आगे चलकर वो सड़क जो है वो पतली होती गई। और इसका कोई भी यहाँ पे पहले से सूचना नहीं दी गई थी या कोई बोर्ड साइन नहीं लगाया गया था कि आगे चलकर सड़क पतली हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि जिस तरफ से ये ड्राइव करके आ रहे थे वहाँ पे सड़क 10 मीटर चौड़ी थी, तो आगे चलकर वो 7 मीटर हो गई थी। और बगल में एक डिवाइडर था जिससे इनकी कार टकरा कर और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और दूसरी जो मेन वजह मानी जा रही है वो है ओवर स्पीड। गाड़ी काफ़ी रफ्तार में थी जिस समय ये दुर्घटना हुई। और कहा यह जा रहा है कि जो महिला इस गाड़ी को ड्राइव कर रही थी वो इस पे नियंत्रण नहीं रख पाई। चार लोग जो सवार थे इसमें, जो आगे गाड़ी चला रहे थे उसमें जो मिस्टर मिस्त्री हैं वो नहीं थे, वो पीछे की ओर बैठे हुए थे। और फिर भी उनके साथ ऐसा हादसा हुआ क्योंकि ज़्यादातर माना जाता है कि आगे जो ड्राइविंग सीट पे या को पैसेंजर सीट पे रहते हैं उनको ज़्यादा खतरा होता है दुर्घटना होने पर, पीछे वाले ज़्यादातर दुर्घटना में सेफ हो जाते हैं। पर यहाँ पे उल्टा हुआ है, आगे जो भी बैठे थे वो अभी हॉस्पिटल में हैं पर उनकी जान बच गई है, और जो पीछे बैठे थे उनकी मौके पे ही वहाँ पे मृत्यु हो गई। आगे जो एयरबैग है आप देखेंगे आगे एयरबैग खुले हैं क्योंकि उन लोगों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी। तो यहाँ पे जो तीसरी वजह है वो लापरवाही है, जो सबसे मुख्य वजह है। यहाँ पे पीछे बैठे साइरस मिस्त्री जी और उनके जो साथ में उनके साथी थे उनने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जिसके कारण वहाँ पे आप देख रहे हैं मर्सिडीज गाड़ी की एयरबैग पीछे की तरफ नहीं खुले हैं, सिर्फ आगे की तरफ खुले हैं। तो उसकी जो मेन वजह है वो यही है कि सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं मेरे ख्याल से इंडिया में, क्या अगर आप पूरे वर्ल्ड में भी देखेंगे तो 90% से ज़्यादा लोग होते हैं जो पीछे की तरफ बैठने पर सीट बेल्ट का ज़्यादा उपयोग नहीं समझते, ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते, सिर्फ आगे के साइड बैठने पर इसकी ज़रूरत समझते हैं। और कुछ लोग वो भी नहीं समझते। और आजकल मार्केट में एक क्लिप भी आ गई है जिसको अपने सीट बेल्ट के बकल में लगा लेते हैं ताकि गाड़ी की आवाज़ जो है, जो वहाँ पे वो सायरन दे रही है, जो आपको इंडिकेशन दे रही है सीट बेल्ट लगाने का, वो ना आए। तो ऐसे किसी भी गैजेट का आप इस्तेमाल ना करें पहले तो मैं ये कहूँगा। और सीट बेल्ट हमेशा लगाएं चाहे आप आगे बैठे हों और चाहे पीछे बैठे हों। और यहाँ पर ये जो मर्सिडीज़ गाड़ी है, मर्सिडीज़ गाड़ी मैं बता दूँ कि ये GLC 220D थी, तो ये काफ़ी सेफ गाड़ी थी। और इस तरह की गाड़ियों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि एयर बैग जो है वो सीट बेल्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है। अगर आपने सीट बेल्ट ना लगाई हो तो एयर बैग भी वहाँ पे काम नहीं करेगा। इसकी मुख्य वजह ये होती है कि आप जिस सीट पे इंसान बैठा हो उसी साइड के एयर बैग खुले, जहाँ ना बैठा हो वहाँ ना खुले। तो इस अगर सीट बेल्ट इंसान ने लगाई होती है तो गाड़ी समझ जाती है कि इस सीट पे जो है इंसान बैठा है और हमें इसके सामने का एयरबैग खोलना एक्सीडेंट के टाइम पे, और जिस साइड पे सीट बेल्ट नहीं लगी होती है तो गाड़ी को लगता है कि वहाँ पे कोई इंसान नहीं बैठा है, तो एयरबैग भी वहाँ नहीं खुलता है। तो इसीलिए जब भी आप सफ़र पे जाएं और ड्राइव कर रहे हो, चाहे आप गाड़ी में बैठे हों, राइड कर रहे हो पीछे की तरफ चाहे आगे की तरफ, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी ऐसी है कि सीट बेल्ट ना लगाने पर भी एयरबैग खुलता है तो भी आप सेफ नहीं हैं जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब एयरबैग खुलता है वो काफ़ी रफ्तार से खुल रहा होता है और आपकी गाड़ी की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और एक्सीडेंट के वक्त अगर ऐसा होता है तो आपकी बॉडी जो है एयरबैग से इस तरह से टकराएगी अपोजिट डायरेक्शन में कि वहाँ पे आपको एयरबैग से जो चोट है वो ज़्यादा लग सकती है।
तो इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो बनाई है जिसमें एयरबैग की इंपॉर्टेंस को आपको समझाया है। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों के साथ, ताकि वो भी इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाएँ। और सेफ ड्राइव करिएगा अपने लिए, अपनों के लिए। जय हिंद, जय भारत।